वैष्णव टीवी से पत्रकार दीपक वैरागी की न्यूज। कभी नगर पालिका या खाद्यान्न लेने वहाँ सोसाइटी गए थे? नहीं गए। सरकारी उचित मूल्य की दुकान नहीं गए? पर्ची नहीं निकली सर। पर्ची नहीं निकली? हाँ नहीं। पर्ची क्यों नहीं निकली है? मना ही करते हैं कि पर्ची नहीं निकली। अच्छा अच्छा। तहसील गए थे? कहाँ गए थे? तहसील गए थे? कहाँ गए थे आप? वहाँ भी गए थे। तहसील गए थे? तहसील में क्या बोला? मना ही कर दिया। मना कर दिया? बोले पात्रता पर्ची नहीं बनेगी। वो की नगर पालिका बोला और कहीं जाने का बोला? नगर पालिका भी मना कर। नगर पालिका भी मना कर दिया आपको? अच्छा। देखो ये मेरे साथ खड़े हैं आदमी, क्या नाम, श्री अर्जुन सिंह जी। ये बाल्मीक समाज से हैं। कितने गरीब हैं जिनके घर नहीं है, दीवार देखो तो ईंट जमाई है, और बड़ी मुसीबत के साथ अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। इसके बाद भी इनके साथ कितना बड़ा अन्याय है कि इनको गरीबी की रेखा में हमारे यहाँ के अधिकारी नहीं मान रहे हैं, जबकि इनके पास खेती नहीं है, इनके पास धंधा नहीं है, घर नहीं है, टीवी रेडियो घड़ी पंखा नहीं है। इसके बावजूद भी इनके पास परमिट कौन सा है? एपीएल का। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बात माननीय कलेक्टर महोदय तक पहुँचाना चाहूँगा। वो ये आस्था का ये इन गरीबों का फिर से सर्वे कराएँ और इनको गरीबी रेखा में शामिल कराएँ, और जो लोग इनके इनके हक अधिकार का जो डकार रहे हैं खाद्यान्न, क्योंकि गरीब तो है, सरकार तो दे रही होगा कहीं ना कहीं से इनको, ये गरीबी का जो इनका खाद्यान्न कौन खा रहा है, उनका नाम काट करके ऐसे गरीबों का नाम जोड़ा जाए गरीबी की रेखा सूची में, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ ऐसे वास्तविक हितग्राहियों को मिले, वास्तविक गरीबों को मिले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा संकल्प सबका साथ सबका विकास पूरा होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका ये कितने साल से योजनाओं पर अमेरिका भेजा कब्जा? 4-5 साल हुआ। पंजाब संभाग अध्यक्ष धनवाल जी, अभी तक खाद्यान्न नहीं मिला। वैष्णव टीवी न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल दूरियां रखते हुए सीहोर जिला में जरूरतमंद गरीबों परिवारों को अजाक्स द्वारा घर घर सूखा खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश अजाक्स भोपाल संभाग के संभागीय अध्यक्ष श्री वंशीलाल धनवाल ने बताया कि सीहोर जिले में गरीब जरूरतमंद परिवारों को सूखा खाद्यान्न, जिसमें आटा, दाल, चावल, शक्कर, नमक, मीठा तेल, बिस्किट, हल्दी, मिर्च, धनिया, सर्फ, साबुन, लूनक, एक मास सतत रूप से अजाक्स द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह से आज भी आष्टा नगरी क्षेत्र का हाथीखाना इंदिर नगर बाईपास सड़क किनारे कॉलेज के पीछे निवासरत झुग्गी बस्तियों में जाकर सूखा खाद्यान्न वितरण किया। शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए ऐसे ऐसे गरीबों का भी परमिट गरीबी रेखा में नहीं बन पा रहा है, जबकि वास्तव में ये गरीब है। इनका ये है उसमें बड़ी बहुत असमानता बरती गई है। यहाँ बात खुद इन गरीबों के कैमरे के सामने उजागर की है। जांगड़ा समाज के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप सिंह आंवले ने कहा कि हमने देखा है कि ज़्यादातर गरीब भाइयों के पास एपीएल का राशन कार्ड है, जिसमें कई एक के पास पात्रता पर्ची भी नहीं है, जबकि यहाँ गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर यहाँ कच्चा घर में कई साल से आष्टा में रह रहे हैं। जिम्मेदार विभाग की इतनी बड़ी असमता एवं लापरवाही से कल्पना की जा सकती है कि इन गरीबों के हिस्से का सरकारी खाद्यान्न कौन ढकार रहा है होगा। यहाँ घपला भी किसी बड़ा घोटाले से कम नहीं होगा। जो निष्पक्ष जांच व गरीबी रेखा सूची का वास्तविक रूप से भौतिक सत्यापन का विषय है, श्री अवसर पर श्री बंसीलाल धनवाल, डॉक्टर सिंह, दिलीप सिंह आंवले अध्यक्ष जांगड़ा समाज आष्टा, एडवोकेट श्री डी के धनवाल जी, दीपक बैरागी, श्री राजू रेखवाल, दशरथ सिंह पटेल, जन जागृति वेलियर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अरविंद धनवाल जी, लखन रेखवाल आदि प्रमुख साथ थे। दीपक बैरागी, वैष्णव टीवी न्यूज। क्या मोहनलाल नाम है इनका, और ये इतना गरीबी में जी रहे हैं। देखो पड़ी पड़ी घर पर दीवार भी नहीं है,
और इन्होंने यहाँ भी बताया कि मतलब नगर पालिका जाते हैं तो नगर पालिका वाले वहाँ से कह देते हैं तहसील जाओ, तहसील वाले कहते हैं कि आप नगर पालिका जाओ। गरीब लोग तहसील और नगर पालिका के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही 10-12 सालों में गुजर जाते हैं। तो 10 साल से यहाँ के SDM साहब से, यहाँ के कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की सुध लें, इनको राशन उपलब्ध कराएं, इनको गरीबी का परमिट उपलब्ध कराएं ताकि अपने जीवन बसर कर सके और सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक लोगों को मिल सके, तभी हमारा इस देश का सपना साकार होगा, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। रमेश वाले पिताजी का नाम, ये कितने साल से ऐसा परमिट हमारा APL का, इसको कुछ मिला नहीं अभी तक, कभी सोसाइटी नहीं गए? सोसाइटी जाओ तो क्या कागज देना पड़ेगा? कौन सा रसीद? पात्रता पर्ची नहीं है, इसकी पात्रता पर्ची नहीं बनी, तो इसके यहाँ नहीं बनना जबकि आपका घर कच्चा है। पात्रता पर्ची बनवाने कहाँ गए थे? यही घर कच्चा, इसके अलावा दूसरा घर नहीं है, धंधा पानी भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिलती रोज। Thank you.